हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग दगड़ियों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो चलो दगड़ियों, आज मैं आपको दिखाता हूँ गांव में आजकल बरसात में क्या क्या खेती करते हैं लोग, क्या क्या खेती हुई है और किस प्रकार से जीविका चलती है हमारे गाँव की इन बरसातों में। मौसम की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी धूप लगी आज, और जब से मैं घर आया हूँ तब से ये फर्स्ट बार ऐसा हुआ है तो मेरे को ऐसी धूप यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन मानिए काफ़ी गर्मी हो रही है, शहरों जैसी गर्मी, ठीक है, और अचानक से ठीक है धूप लग रही है जब। तो चलो सीधे दिखाता हूँ मैं आपको खेती बाड़ी गाँव की। ये देख रहे हो, ये है भांग की खेती। ये बड़ा बड़ा जो लंबे लंबे दिख रहे हैं ना आपको, ये भांग है। और ये हल्दी देख रहे हो नीचे, हल्दी। इधर देख रहे हो ये पापड़, अरबी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। काफ़ी अच्छी पैदावार होती है पहाड़ में इसकी। और ये जो आपको झाड़ दिख रही है ना, ये है कद्दू की झाड़, फिर खरबूज बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये खेत है। और ये केले तो बरसात में काफ़ी होते हैं, ये हमारा पर्सनल खेत है जो कि 3-4 पेड़ आ रखे हैं इसके। और अगर यहाँ पे बात की जाए खेती की तो ये देख रहे हो मिर्च की खेती है। और ये मिर्च घर में यूज़ करने के लिए हो जाते हैं काफ़ी मात्रा में, बरसात में अच्छी पैदावार होती है मिर्चों की भी हमारे इन हसीन पहाड़ों में। और बाकी ज़्यादातर लोगों ने पापड़, अरबी, हल्दी और अदरक इस प्रकार की खेती की हुई है। आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या खेती की है लोगों ने, ठीक है। ये सामने देख सकते हो अखरोट का पेड़ है। और केले तो भाई टूट टूट के आए हुए इस बार, देख रहे हो इस पर कुछ बीमारी हो गई शायद इस केले पे। राम आम ले आम बाजार बैठे। और ये देख रहे हो अदरक की खेती है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी खेती है अदरक की। तो ये नई खेती बन रही है, ये समूह के अंतर्गत आ रखे हैं ना अदरक, तो उसी में है ये खेती। पहले इसकी खेती की नहीं जाती थी यहाँ, बट इस बार ये ट्रायल के तौर पर देखते हैं होती कि नहीं। ज़्यादा विवाद बता दिया है, कदा लगा रही। और आसपास में तो नमस्ते, आसपास में तो वही देख रहे होंगे आप, मिर्च, हल्दी, पापड़, भांग और केले की तो बात ही क्या करनी भाई। और ये देख रहे हो गांव के अग्निवीर, ये बिल्कुल दिन में फ्री बैठे, आज मनरेगा का काम बंद है ना तो फ्री बैठे हैं। यहाँ पे देख रहे हो बाल कटिंग हो रही है अभी, पर्सनल नालियों से बाल कटिंग होती है यार, काफ़ी अच्छी सुविधा होती है गांव में, फ्री में बाल कट जाते हैं। और गांव की अगर बात की जाए तो मक्के की खेती आपको यहां देखने को मिल जाएगी आजकल बरसात के टाइम में। हालांकि मक्के की खेती की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी कम हो चुका है पहले की तुलना में, और अब जो है लोग मक्का कम कर रहे हैं क्योंकि बंदरों ने ना बहुत नुकसान किया गाँव में, इसलिए मक्के की खेती जो है लोगों ने लगभग बंद ही कर दी है, थोड़ी बहुत करते हैं। और ये नीचे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इसको बोलते हैं मरसू, ये मसालों में सब्जी में डालने का काम आता है, प्लस थोड़ा मिठाई उठाई बनाई जाती है इसकी। और अगर दुकान में लेके जाया जाए तो इसका तेल मिलता है, ऑयल, खाने के कामों में यूज़ करने के लिए, ठीक है। आम के पेड़ काफ़ी हैं गांव में, बट आम की फसल जो है निकाल चुके हैं इस टाइम तक, सब आम जो है ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। जहाँ हम गए थे फ्रूट गार्डन में, आपने देख लिया होगा वहाँ मेरे पिछले ब्लॉक में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की सब्जियां होती है अभी, और भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये तो थे जो फसल बरसात में होती है, काफ़ी प्रकार की सब्जियां भी उगाई जाती हैं बरसात में हमारे गांव में। तो धीरे धीरे मैं आपको शेयर करता रहूंगा, ब्लॉक में बने रहना, ठीक है। ये देख रहे हो ये है पहाड़ी छीमिया, छीमी बोलते हैं, दाल बोल सकते हो आप। ये मुंगरी मक्का, ठीक है, इधर मिर्च, यही सब आजकल पहाड़ों में जो फेमस है। ये देख रहे हो मशरूम, इस मशरूम को भी खाते हैं और काफ़ी हेल्थी होता है, बट लोगों के मन में काफ़ी तरह के भ्रम होते हैं उसको खाने को लेके, इसलिए लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। और ये रहा पड़ोस का सगड़ा हमारा। अबे अनार किसने खाया यहाँ से, अनार
और ये देख लो, मिर्च, ये एक सरसों है, ये अनार अनार काफी सारे हो रखे थे, बट मैंने इस पे कुछ टेक भी लगाए थे सपोर्टिंग के, बट सारे पता नहीं किधर झड़ गए। और इधर ये मक्का जो है पूरी तरह से हुआ ही नहीं है शायद। मक्का खाया यहाँ से? मक्का किसको बोलते हैं? मुंगरी। और ये देख रहो, वाह मिर्ची का दाल, काफी सारे पेड़ पौधे यहाँ है साग सब्जी के। इधर ये करेला, इसको मीठा करेला बोलते हैं। लौकी भी है ये पेड़। इधर ये तोरी का पेड़ है, बट हुआ कुछ भी नहीं है भाई लोगों, ठीक है। और जो ये सब्जियां है ना, इनकी कंडीशन भी काफी पोर लग रही है, पोर बोले तो ये खराब ही हो रही है लगभग लगभग। पता नहीं क्यों इस बार जो है बरसात में अच्छी सब्जियां हो नहीं रही, पिछली बार भी नहीं हुई थी, इस बार भी जो है काफी कमी है सब्जियों की। इस टाइम तक काफी सब्जियां हो जाती थी। और इसमें ये बेल है ना, ये ककड़ी की बेल है, ककड़ी खीरा, तो ये ककड़ी और शहरी खीरा में काफ़ी अंतर होता है। बट फूल तो लगे हैं, ये देख रहे हो पीले पीले से फूल दिखेंगे थोड़ा आपको, ऐसे फूल होते हैं इसके, बट भाई ककड़ियाँ तो लगी नहीं है। और ये है कड़ा करेला, ये वाला, ठीक है, कड़ा करेला तो आपको लगी हुई भी दिख जाएंगे थोड़ा बहुत। ये देख रहे हो, ये देखो ये कड़े करेला लगा है, तो ये तो शायद हो भी रहे होंगे यहाँ, बट बाकी सब्जियाँ जो है ना के बराबर है, जबकि मेरे पापा जी ने यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ उगाई थी, लेकिन शायद हुई नहीं है। और इसी प्रकार की सारी सब्जियाँ गांव में होती है बरसात में, बट तगड़ो एक दो साल से जैसे कि मैंने कहा ही, काफी जो है कमी आई है इन सब्जियों में। करेला देखने को मिले यहाँ थोड़ा बहुत, ठीक है, यहाँ पे भी है, देखो ये वाला देख रहे, बट बाकी दोस्तों सब्जियां यहाँ जीरो है। मैं भी आया था ढूंढने के लिए कुछ यहाँ मिल जाएगा, बट कुछ नहीं मिला, और आसार भी नहीं है कि बरसात में सब्जियाँ यहाँ और होंगी। कद्दू, जिसको कि हमारे यहाँ खरबूज बोलते हैं, वो बहुत सारे हो रखे हैं, और अभी तो खैर फल तो नहीं दिए उन्होंने, कद्दू तो है नहीं है, बट उसकी बेल काफ़ी सारी दिख रही है पूरे गांव में, तो शायद होंगे तो वही होंगे, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई सब्जियाँ होगी, ठीक है। कंडीशन काफ़ी ख़राब लग रही है, मेहनत तो बहुत की थी सब्जी लगाने में, पर शायद हो नहीं रही है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, कीट लग जाता है, कोई जमते नहीं है अच्छे तरीके से, बट क्या करें, नहीं हो रही तो नहीं हो रही। दी मिली है मुझे, ठीक है, और एक बैंगन का पेड़ है, लेकिन एक छोटा सा बैंगन लग रहा है, बाकी तो इधर भी है ये बैंगन का पेड़, इस पे भी लग रहा है एक छोटा सा बैंगन। पापा अमरूद हो रही है, अब देखो पीछे अमरूद कच्चे, अभी ये अमरूद का पेड़ है, काफी मात्रा में अमरूद होते हैं इसमें, क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है अमरूद की। आम भी और कच्चे, कई सारे आम ऊपर पौने साल झा दे, आम तो तोड़ के पका के खा लिए हैं। और ये भी है यहाँ पे एक बैंगन, बट टमाटर का दाल, टमाटर का है, टमाटर का दाल लगा था यार, पता नहीं कब। ले भिंडी पकड़ो, और थोड़ा बहुत नींबू तोड़ते हैं, ठीक है, छोले के लिए नींबू तोड़ेंगे, ठीक है, अभी तो हरे हरे हो रखे हैं ज़्यादातर, लेकिन हुए बहुत मात्रा में है भाई, सड़ा हुआ है वो,
देख रहे हो बहुत सारे नींबू है, ये माल्टे का पेड़ है, इधर ये आम के पेड़ लगा रखे हैं, कुछ इस प्रकार की फल फ्रूटों से भरा हुआ है ये खेत। भिंडियाँ भी मैंने बहुत सारी लगाई थी लेकिन हुई नहीं है शायद, ये दब गई होंगी क्योंकि उसके लिए खुला जगह चाहिए जो कि मिली नहीं होगी उसको, और जिसके कारण दब गई। तो यही है, नींबू तोड़ दिए हमने, थोड़ा बहुत बहुत है मेरे लिए इतना, देखते हैं कुछ अगर भिंडियाँ मिलती है तो। यही नहीं है, कहाँ थे वो, यही नहीं, वो दब गए, ये भांग के पेड़ हो गए ना दगड़े, वो बहुत बड़े बड़े, तो वो ये नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक भिंडी का पेड़ था तो उससे हो गया, ये देख रहा, इससे हुए दो भिंडी, तो निकाल दिया हमने, बाकी तो कुछ दिखे नहीं है। इस साइड में भी लगाए थे हमने भिंडियाँ लेकिन हुई नहीं हो। तो कुछ इस प्रकार की सब्जियां जो है पूरे गांव में उगा रखी है गांव वालों ने, बट ओवरऑल अगर मैं कंडीशन बताऊं तो काफ़ी पोर है गांव की सब्जियों की, मतलब पैदावार उस तरीके से हो नहीं रही है जैसे होती थी पहले, बट जो भी होती है तो भाई ये शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां होती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्थी होती है। तो दौड़े उम्मीद करता हूँ गाँव की सब्जी स्पेशल ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे नए आते हो तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, बाय बाय दगड़ियों।